अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबशिर इरशाद और आप देख रहे हैं MMI टेकवर्ड यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको जल्द और आसानी से मिल सकें। दोस्तों, प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए आज फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज जो हम प्रोग्रामिंग के जो है लेक्चर कंटिन्यू करेंगे वो अरे से ही रिलेटेड है, बिकॉज़ पहले हमने बहुत से कुछ प्रोग्राम्स जो हैं लास्ट टाइम स्टार्ट किए थे, अरेज़ के प्रोग्राम हमने किए और उनको हमने देखा, उनको समझा। उम्मीद है कि आपने वो समझ लिए होंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हैं। तो दोस्तों, आज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल, एंड देन वी विल फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस आउट ऑफ दिस। सो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट समझ आ सके। तो दोस्तों, ये हमारे पास बोरलैंड ओपन है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक प्रोग्राम है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से हमने ये मैग्नीफायर लिया और इसको हमने क्या कर दिया, जूम। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है प्रोग्राम है, ये ज़ूम हो चुका है, ठीक है। तो इसको अब मैं आपको कंप्लीट समझा दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम किस तरह यूज़ करेंगे। ये अरेज़ में ही है क्योंकि हम अरेज़ हम कर रहे हैं, अरेज़ का टॉपिक हम स्टार्ट किया हुआ है, तो इस वजह से मैंने ये अरेज़ में ही किया है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये एडर फाइल्स हैं, ठीक है, ये आपको पता है, पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। उसके बाद ये वॉइड मेन फंक्शन हमारे पास, ठीक है, स्टार्ट जिस जो प्रोग्राम का आप कह सकते हैं कि एक स्टार्टर होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी हम उनको इनिशियलाइज़ करते हैं। तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें कोई रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है, लेट्स सपोज मैंने उसकी 10 वैल्यूज़ ली हैं। यहाँ पे आप जितनी चाहे मर्ज़ी वैल्यूज़ ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन मैं लेट्स सपोज के 10 वैल्यूज़ ले रहा हूँ और 10 वैल्यूज़ की मैं सीरीज़ में और पैरेलल में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा। सपोज बिकॉज रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल जो है वो एक किस्म का सम है, तो सम कैलकुलेट करने के लिए हम पहले सम में ज़ीरो स्टोर करते हैं। तो आर ई, ये जो स्मॉल ई है, इसमें हमने ये रेजिस्टेंस इन सीरीज़ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज़ है, और ये आप समझे कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, ठीक है। फ्लोट करेंगे मैक्स और मिनिमम को, क्योंकि मैक्स मिन मीन्स के हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस भी फाइंड करेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस के बाद हम सी आउट करेंगे, एंटर आर, ठीक है, रेजिस्टेंस एंटर करें तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। फिर हम फॉर लूप लगाएंगे, बिकॉज हमें 10 वैल्यू चाहिए तो हमने 0 से लेकर लेस दैन 10 तक फॉर लूप लगा देना है, बिकॉज 0 भी शामिल है, तो इस वजह से 0 से 9 तक हमारे पास 10 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, सी इन ग्रेटर देन आर ऑफ आई, बिकॉज आई यहाँ पे इंडेक्स अरेज का यूज़ होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आई इंडेक्स यूज़ के होगा, उसके साथ जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हम एंटर कर देंगे। फिर अब ये हमारे पास आर ई स्मॉल है, ये सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में आपको पता है कि फार्मूला ये होता है कि रेजिस्टेंस का सम होता है। तो ये मैंने क्या किया, आर ई इज इक्वल टू आर ई प्लस आर ऑफ आई, ठीक है, ये आपको बता दो, शायद आपके लिए नया हो या आपने उम्मीद है कि सीखा होगा सम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो है हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज है। उसके बाद रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है वो आपको पता है, यहाँ पे ये आर ई मैंने लिखा हुआ है, ये बेसिकली 1 ओवर आर ई हम प्रिंट करेंगे, उसकी वजह ये आपको पता है फार्मूला क्या होता है, 1 ओवर आर ई इज़ इक्वल टू, ये 1 और आर आई का मतलब है कि ये आई बिकॉज 10 तक है, तो इसका मतलब ये 1 और आर 1 भी है, 1 और आर 2 भी है, इस तरह सो ऑन चलते जाएंगे। तो ये 1 और आर 10 तक, मतलब कि 1 और आर 10th रेजिस्टेंस भी इसमें शामिल है, तो इनका सम है। और यहाँ पे फार्मूला भी 1 और आर ई होता है, लिहाजा जो यहाँ पे 1 और आर ई होगा हम वो यहाँ पे प्रिंट 1 और आर ई करवा देंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये 1 और आर ई हम प्रिंट करवा रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये दोस्तों ये क्या होगा, आर ई प्लस आर ऑफ आई, ये सीरीज़ में और ये पैरेलल में आर ई प्लस 1 और आर ऑफ आई, ठीक है, यहाँ तक ये हमने कंपाउंड ब्रैकेट जो है क्लोज़ कर दिया। उसके बाद ये क्या हो गया दोस्तों, सम कैलकुलेट हो चुका, अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इन सीरीज़, सीरीज़ में आर ऑफ आई है, आर आई, ठीक है, और पैरेलल में 1 और आर ई, हमने जिस तरह मैंने आपको बताया कि फार्मूला इस तरह होता है, तो आपको ये 1 और आर ई यहाँ पे प्रिंट कर देना है।
अब हम लेट कर लेते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास आर ऑफ ज़ीरो है, मींस के जो फर्स्ट ऑर्डर पे रेजिस्टेंस है वो है, और मिनिमम जो है वो भी वही हम लेट कर लेते हैं कि ये दोनों हमारे पास मैं ये इसी को मैक्स कह रहे हैं, इसी को मिनिमम कह रहे हैं। आपको पता है मैंने पहले भी आपको मिनिमम और मैक्सिमम का जो है प्रोग्राम समझाया है, तो आप वहाँ से उस वीडियो में भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, हम कंपेयर करेंगे कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है या नहीं है। तो फॉर लूप वही सेम एज इट इज़ कंपाउंड स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ़ आर ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्स, अगर आर ऑफ आई जो है, जो भी आर ऑफ आई की वैल्यू होगी ज़ीरो पे, वन पे, टू पे, वो अगर मैक्सिमम से बड़ा है तो मैक्सिमम में आर ऑफ आई स्टोर कर देंगे कि मैक्स जो है वो आर ऑफ आई है, बिकॉज़ अगर ये बड़ा होगा तो वही मैक्सिमम होगा, अगर ये उससे छोटा होगा मिनिमम से भी तो इसका मतलब है वो मिनिमम है। तो ये इस तरह फॉर लूप जो है 10 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा और इसमें ये कैलकुलेट करेगा कि मैक्सिमम क्या है रेजिस्टेंस और मिनिमम क्या है। उसके बाद क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर इज़ इक्वल टू मैक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर इज़ इक्वल टू मिन, ठीक है। तो ये प्रिंट करवा देंगे, उसके बाद ये वेलकम टू माई चैनल MMI टेकवर्ड। जी दोस्तों, अब हम इसको रन करके देखते हैं और आपको बताते हैं कि ये प्रोग्राम वाकया ही एग्जैक्ट है और ये प्रोग्राम आपको आउटपुट भी देगा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये इसकी जो है आउटपुट भी आ चुकी है। मैं इसको ज़रा यहाँ पे ले चलता हूँ और आपको जी, तो अब आप ये देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। तो अब आप ये देख सकते हैं कि एंटर रेजिस्टेंस, इसका मतलब मैं रेजिस्टेंस एंटर करूँगा, लेट्स सपोज 3, ये मैं बिकॉज अब ये 10 वैल्यूज़ हमने एंटर करनी है तो ये मैं एंटर करता जाऊँगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपको चाहिए कि आप खुद से ये प्रोग्राम जो है इसको एग्जीक्यूट करें और इसको समझें। अब आप देखें तो ये आपके पास तकरीबन कंप्लीट प्रोग्राम नज़र आ रहा है आपको कि मैंने ये रेजिस्टेंस की वैल्यूज जो है ना वो एंटर कर दी है सारी, और उसके बाद उसने हमें आंसर दिया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट आर इन सीरीज, सीरीज़ में क्या है वो ये है, आप ये मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। सीरीज़ में रेजिस्टेंस ये है और पैरेलल में जो है वो रेजिस्टेंस ये है। मैक्सिमम उसने बता दिया है कि 76 है और मिनिमम 3 है, आप इसमें देख सकते हैं मैक्सिमम 76 है, मिनिमम 3। अब आप डिफरेंट वैल्यूज एंटर करके यही सेम एज इट इज़ प्रोग्राम जो है इसको बनाएं और चेक करें ताकि आपको मज़ीद जो है इसकी समझ आ सके। उम्मीद करता हूँ आज के जो लेक्चर है आपको समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।